जय हिंद डिफेंस लवर्स, मेड इन इंडिया सीरीज के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा आज का जो एपिसोड है ये हमारी मेड इन इंडिया सीरीज के पहले के दो एपिसोड की तुलना में सबसे अलग होने वाला है। तो इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज के इस एपिसोड से आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। बाकी आप में से जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन्हें हम बता दें कि इस मेड इन इंडिया वाली सीरीज में हम आपका परिचय भारत की उन कंपनी से कराते हैं जो कि भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। और आज हम आपका परिचय जिस कंपनी से कराने वाले हैं उस कंपनी का नाम है ग्रीन रोबोटिक्स, जिनके इनोवेशन के बारे में आप में से हर किसी ने सुना जरूर होगा। और हम जिस इनोवेशन की बात कर रहे हैं उसका नाम है इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम। तो इसलिए आज के एपिसोड में ना आपको केवल ग्रीन रोबोटिक्स के बारे में जानने को मिलेगा, बल्कि इसके साथ आपको इनके कमाल के क्रिएशन इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में जानने को मिलेगा, और वो भी डायरेक्टली इस सिस्टम के मास्टरमाइंड विंग कमांडर MVN साई सर से, जो कि ग्रीन रोबोटिक्स की डिफेंस डिवीजन के CEO भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कमाल का एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ग्रीन रोबोटिक्स की जर्नी की शुरुआत हुई 2008 से, जब इस कंपनी के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर किरण राजू ने एक विजन देखा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस पूरी दुनिया को और भी ज्यादा स्मार्ट और एक सेफ प्लेस बनाया जा सकता है। और मिस्टर किरण राजू US के डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DARPA के लिए ऑटोनोमस व्हीकल्स के प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुके हैं, और DRDO के लिए 17,664 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर को बनाने में भी मिस्टर राजू का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और DRDO की जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर है तो इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ग्रीन रोबोटिक्स एक अत्याधुनिक डीप टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है, जिसका मेन फोकस है डिफेंस इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। इनका अपना खुद का एक R&D डिपार्टमेंट है, और करीब 13 वर्षों के एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इन्होंने अपना एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है ग्रीन OS, जो कि AI एंड रोबोटिक प्लेटफॉर्म है, और इसे 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और फिर इसके बाद 2021 में कंपनी ने अपना फोकस डिफेंस वर्टिकल की तरफ भी एक्सपेंड किया, ताकि वे भारत को पहला यूनिफाइड AC6 ISRT प्लेटफॉर्म डिलीवर कर सकें, और जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से दो खास प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया, जिसमें से एक है ऑटोनोमस मैनपैड डेटा लिंक और दूसरा है इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम, जो कि अभी वर्तमान समय में पूरी दुनिया में एकमात्र कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है। और जिस तरह की कैपेबिलिटीज इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम में अभी हैं, तो उस तरह की कैपेबिलिटीज फिलहाल अभी दुनिया में किसी और एंटी ड्रोन सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और डिफेंस सेक्टर में एक्सपेंड करने के साथ ही ग्रीन रोबोटिक्स का मिशन है दुनिया की एक लीडिंग इनोवेशन ड्रिवन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन बनना, और इनका उद्देश्य है AI का इस्तेमाल करके एक ऐसे खास तरह के ऑटोनोमस सिस्टम को विकसित करना जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, क्रिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और यहां तक कि पूरी सिटीज को भी स्मार्ट ड्रोन्स या फिर किसी भी लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले थ्रेट से पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर सकें, यानी कि ऐसे थ्रेट जो कि आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाते लेकिन वो एक बहुत बड़ा खतरा रहते हैं। और जिस तरह से अब दुनिया भर की मिलिट्रीज अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को विकसित करने पर ज्यादा फोकस कर रही है, और ड्रोन्स जो कि अब एक नए तरह का खतरा बन रहे हैं, और विशेष रूप से अगर बात करें भारत की तो भारत के लिए जो ड्रोन्स हैं ये एक नई तरह की चुनौती बनके सामने आए हैं। और जैसे कि आए दिन आप ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत में ड्रग्स, एम्युनिशंस, आर्म्स इन सभी की इलीगल सप्लाई में इन्वॉल्व रहता है। यहां तक कि 2021 में जो जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया था, जो कि भारत के किसी भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर पहला ड्रोन अटैक भी था, और इस हमले ने हर किसी को इस बात का एहसास दिला दिया कि ड्रोन्स कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उस खतरे को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो कि हमें 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और इसी गोल को हासिल करने के लिए ग्रीन रोबोटिक्स ने क्रिएट किया है इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम। और इस इंद्रजाल सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इस एक सिस्टम के अंदर आपको 12 अलग अलग टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है, जिन्हें आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो एक साथ उनका कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि थ्रेट किस तरह का है। बाकी ये इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम मार्केट में मौजूद अन्य एंटी ड्रोन सिस्टम के कंपैरिजन में कितना अलग है और कैसे उनसे बेहतर है, तो इन सारी चीज़ों को हमें वही अच्छी तरह से समझा सकते हैं जो कि सिस्टम के पीछे के मास्टरमाइंड है जिन्होंने इसको क्रिएट किया। और इसलिए अब हम इस इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में जानेंगे डायरेक्टली इस सिस्टम के मास्टरमाइंड विंग कमांडर MVN साई सर से। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम है तो वो मार्केट में जो अभी तक एंटी ड्रोन सिस्टम है अभी जो चल रहे हैं जो डेवलप हो रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में कितना अलग है, इसकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू अब हमें इसके बारे में दे सके तो। जी जी धन्यवाद। एसेंशियली क्या है कि मार्केट में जितने एंटी ड्रोन सिस्टम्स है वो किसी एक इक्विपमेंट के बेसिस पे लॉन्च हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास रडार है, वो कहते हैं मेरे पास रडार है तो मैं बाकी का फंक्शनैलिटीज
कर सकता हूँ एंटी ड्रोन का, जैसे रेडार पे डिटेक्ट हो सकता है तो मैं शूट भी कर सकता हूँ। तो ये थॉट प्रोसेस से रेडार मैन्युफैक्चरर्स एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मैनेज करते हैं, जो मतलब जो सिग्नल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को जो मॉनिटर करते हैं, आरएफ डिटेक्टर जिसको बोलते हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर है वो कहते हैं कि हमने आरएफ डिटेक्टर बना लिया, उसको जैम भी कर सकते हैं, तो ड्रोन की फ्रिक्वेंसी हम जैम करेंगे। तो उस बेसिस पे एंटी ड्रोन सिस्टम बन रहा है। पर जो सिस्टम चाहिए होता है, तो एक सिंगल डिटेक्टर पे काम नहीं हो सकता। टिपिकली एंटी ड्रोन इस तरह से काम करता है, आपको डिटेक्ट करना है, आपको क्लासिफाई करना है, आपको पता कराना है कि ये फ्रेंड है कि नहीं है। तीसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि कोई आरएफ डिटेक्टर सिस्टम खुद बता सकता है कि ये फ्रेंड है कि नहीं, जरूरी नहीं है, बिकॉज आपके पास सबकी थ्रेट लाइब्रेरी नहीं होती है, रोज बदलते रहती है थ्रेट लाइब्रेरी। तो थ्रेट लाइब्रेरी बेस पे कोई डिसीशन लेके जैम करने लगे तो खुद के क्राफ्ट भी जैम हो जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है, तो वी कांट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। दूसरी बात है कि डिटेक्शन क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन प्योरली एक एयर डिफेंस फंक्शन होता है, तो एंटी ड्रोन को हम स्टैंड अलोन सिस्टम की तरह मान नहीं सकते हैं। एग्जिस्टिंग कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपके 99% ऑफ ड्रोन इन फ्यूचर फ्रेंडली होंगे। फिलहाल लगता है कि कोई एक अक्रॉस द बॉर्डर आ रहा है, पर 99% आपको फ्रेंडली यूज के लिए यूज करना पड़ेगा, इन विच केस सबकी ऑथराइजेशन चाहिए और इमीडिएट वेरिफिकेशन चाहिए। तो एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम। कोई एंटी ड्रोन सिस्टम स्टैंड अलोन पे डिप्लॉय नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि आफ्टर यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एक्शन यू कैन टेक और कहाँ कौन सा एक्शन ले सकते हैं। अगर शहरी इलाका है वहां पे हम शूट नहीं कर सकते ड्रोन को, क्योंकि ड्रोन खुद किसी के सर पे गिरेगा, किसी वाइटल बिल्डिंग के ऊपर गिरेगा, किसी फ्यूल एक्सप्लोजिव स्टोरेज के ऊपर गिर सकता है। तो ऐसे नहीं है कि अर्बन पॉपुलेटेड एरिया पे आप शूट कर सकते हैं। तो एक वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए। बॉर्डर पे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, हम बिल्कुल शूट कर सकते हैं, कुछ भी मिसाइल दाग सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता है। तो एक सॉल्यूशन सब पे फिट नहीं बैठता है, पहली बात। दूसरी बात है कि जब हम बहुत लार्ज टारगेट्स की बात करते हैं, जैसे बॉर्डर का एक सेक्शन है, 100 किलोमीटर का फ्रंटेज है, 100 किलोमीटर का डेप्थ है, टिपिकल जो कोर एरिया का जो एरिया होता है, उतने एरिया में एक सिस्टम से आपका काम नहीं आएगा। कोई भी रेडार आपको बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट डिटेक्शन नहीं कर सकता है। तो उस लिहाज से हमने जब देखा कि जब आपको लार्ज एरिया पे डिफेंस करना है, स्पेशली बॉर्डर सेगमेंट्स, वेरी लार्ज वाइटल इंस्टॉलेशंस या नेशनल कैपिटल रीजन, इस तरह के जब भी कोई टारगेट डिफेंड करना होता है, तो आपको सिंगल एंटी ड्रोन सिस्टम पे सिंगल एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ आपका सोल्यूशन नहीं बैठेगा। तो आपको एक चाहिए एक वाइड एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड एंटी ड्रोन सिस्टम। मतलब इंद्रजाल का जो मायने है कि एक जाल जो बिछाएंगे, सेंसर्स की जाल बिछाएंगे, सेंसर्स एफेक्टर्स की जाल बिछाएंगे, बैकवर्ड कनेक्ट करेंगे, नेट टू नेट एयर डिफेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो एफेक्टर है, एफेक्टर मतलब मिसाइल हो सकते हैं, गन हो सकते हैं, नेट्स हो सकते हैं, या कोई भी किसी भी आरएफ वेपन हो सकते हैं, एफेक्टर बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो उसका रूल बुक है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी का, उसको भी हम मद्देनजर रखते हुए हमने एक सिस्टम बनाया है जिसको बोलते हैं वाइड एरिया एंटी ड्रोन सिस्टम। ये वाइड एरिया एंटी ड्रोन सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ रिसर्च। ये आज नहीं उठ के बोल सकते हैं कि चलिए 50 रडार लाइए, 50 आरएफ डिटेक्टर लाइए, इसके बेसिस पे आप एक सिस्टम बना देंगे, ऐसे नहीं है। इट इज नॉट प्लग एंड प्ले। इसके लिए पीछे बैक एंड पे काफी काम होता है। हमारी करीब करीब 25 ईयर्स की कंटिन्यूस वर्क है टू कम अप विद एन आइडिया, और लास्ट 9 ईयर्स की कंटिन्यूस R&D चल रही है टू मेक दिस पर्टिकुलर सिस्टम हैपन। सो इंद्रजाल इज डिस्टिंक्ट, इट्स मेंट फॉर लार्ज एरियाज, इट्स मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एंड सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। तो एक बिल्कुल अलग क्लास ऑफ सिस्टम कह सकते हैं इंद्रजाल को। ओके, तो सर जब हम बात करते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम की, और बेसिकली जब एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की बात आती है, तो हम हार्ड किल कैपेबिलिटी और सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी की बात करते हैं। तो इस इंद्रजाल सिस्टम में आई थिंक बोथ कैपेबिलिटीज हैं, तो ये किस तरह की कैपेबिलिटीज जो मतलब अदर एंटी ड्रोन सिस्टम मिलती है, सिमिलर वैसे ही या फिर कुछ इसमें डिफरेंट किया गया? जी जी, तो एक तो है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय करता है उसकी कोई परमिशंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, अर्बन एरिया में आप शूट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो आपको हार्ड किल, उस तरह के कोई हार्ड किल परमिसेबल नहीं है जहां ड्रोन गिर जाए किसी के ऊपर, राइट? तो वो परमिसेबल नहीं है, तो आप सॉफ्ट किल पे जाएंगे।
जैसे आप डिफेंस इंस्टॉलेशंस है उसके ऊपर तो आप अंदर आने ही नहीं देंगे, पहले ही उसको बियॉन्ड द बाउंड्री आप उसको न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे। ऑयल या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं तो वहां पे किसी और तरह का ट्रीटमेंट होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पे अलग ट्रीटमेंट होगा। तो इंद्रजाल पर से वैसे तो हमारे पास सारे इंटीग्रेट हो रखे हैं, जितने हार्ड किल वेपन आज बात करते हैं हम दुनिया में फॉर अगेंस्ट ड्रोन्स, हमने सब कुछ इंटीग्रेट करके रखा है, पर हम प्रिस्क्राइब नहीं करते। ये यूजर पे डिपेंड करता है कि उसकी यूज केस क्या है, उसने कौन से वेपन यूज करना है, इंद्रजाल में कनेक्ट हो जाएंगे। तो वी आर अ प्लेटफॉर्म रेडी टू इंटीग्रेट विद द यूजर्स वेपन सिस्टम्स। और ऐसे नहीं है कि हमारे हम OEM नहीं है, हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, हमारे पास JVs पड़े हैं सारे हार्ड किल सॉफ्ट किल ऑप्शंस के, हम खुद भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर अगर यूजर ने ऑलरेडी खरीद रखा है लेगेसी सिस्टम जिसको कहते हैं, या यूजर का कोई बेंट ऑफ माइंड है उनको इस तरह के वेपन एम्प्लॉय करने हैं, तो इंद्रजाल कैन ईजिली कनेक्ट विद दैट। तो हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आपको एक नेटवर्क और प्लेटफॉर्म बिछाएं, सेंसर का एक नेटवर्क बनाए और वेपन्स आपके चॉइस के वेपन्स को इंटीग्रेट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको हम एल्गोरिदम की तरह से कन्वर्ट करते हैं, जो सिस्टम एल्गोरिदम्स है आपकी SOP के हिसाब से कन्वर्ट करके हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इंद्रजाल एक तरह से कस्टमाइजेबल भी है काफी, मतलब यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो सर जैसे हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का लैंड बॉर्डर काफी बड़ा है, हम सभी जानते हैं लैंड बॉर्डर मैरिटाइम बॉर्डर्स, तो इन सब भारत के इतने वास्ट एरिया में हमें अगर ड्रोन जैसे थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंद्रजाल को डिप्लॉय करना कितना इजी है, मतलब इंटीग्रेट करना करंट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, तो इसमें थोड़ा सा बताइए। जी एक्चुअली ये जो वाइड एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, आज यू कैन से दैट हम फुल स्टैक सॉल्यूशन कह सकते हैं। हमको जो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर कम्युनिकेशन, इवन कम्युनिकेशन वी कैन प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन मेश नेटवर्क। टिपिकली जब आप कहते हैं कि आप 100 किलोमीटर का फ्रंटेज ले लीजिए, 4000 किलोमीटर का अगर कोई एरिया ले लीजिए, तो हम उसके अंदर नेटवर्क भी बना सकते हैं जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो इस तरह का डेटा को हैंडल करके ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस तरह के डेटा, मतलब आपके इलेक्ट्रॉप्टिक सेंसर हो गए जैसे कैमरास, जो हाई रेट पे हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स भेजना चाहते हैं, लाइक 30-50 फ्रेम्स पर सेकेंड पे आपको हाई डेफिनेशन पिक्चर भेजेंगे, ये बहुत नेटवर्क हैवी होते हैं। दिस इज वन पार्ट। सेकेंडली आपको रेडार डेटा 10-15-16 रेडार अगर लगाएंगे एक सेक्टर में, उसका रेडार भी काफी हैवी होता है, उसका डेटा भी काफी हैवी होता है। और तीसरा RF डिटेक्टर्स एंड जैमर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका डेटा भी हैवी होता है। तो हमारे पास दो वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स है जो इंद्रजाल बनाते हैं। एक तो है हम एक एडहॉक नेटवर्क एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट बना सकते हैं, राइट? दैट मीन्स हम एक पूरा नेटवर्क बिछा सकते हैं और ये टैक्टिकल भी होगा कि मतलब टिपिकली इट विल बी, आपको सेल फोन टावर की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े सेल फोन टावर या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, उनकी तो काफी कम तादाद में रिक्वायरमेंट होती है। हम टिपिकली एक हैंडहेल्ड फॉर्म फैक्टर में डिवाइस लेके जाएंगे जो 4G सपोर्ट कर सकता है। तो जो हैंडहेल्ड फॉर्म फैक्टर का जो डिवाइस है वो 4G स्पीड्स 80-90 Mbps स्पीड पे डेटा ट्रांसैक्ट कर सकता है। ये बहुत इफेक्टिव होगा, जहां भी आप लेके जाएंगे वहां पे आप BSNL के तार तो नहीं खींच सकते हैं या वोडाफोन का तार नहीं खींच सकते, तो आपको वहां से लेके बैकवर्ड कनेक्टिविटी एसेंशियल डेटा लाने के लिए हम खुद आत्मनिर्भर है, मतलब वी हैव द एबिलिटी, वी हैव द टेक्नोलॉजी एंड वी कैन डिप्लॉय। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि नेटवर्क भी हम बनाएंगे, एलिमेंट भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आपको उस एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वी आर रेडी, दिस इज प्रेटी यूनिक, दिस इज मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट, इट इज हाईली सिक्योर, तो कम्युनिकेशन बैकबोन भी एक एसेंशियल पार्ट होता है जो हम रेडी करते हैं। दूसरा एक पड़ाव है इसमें कि जस्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, आप कितना भी बैंडविड्थ का कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगा लीजिए, आपको नेटवर्क यूटिलाइज करने में हम एक्सपर्ट हैं, हम जनरली खत्म कर देते हैं नेटवर्क की बैंडविड्थ, जो हम एप्लीकेशन लोड करते हैं वो बहुत नेटवर्क कंज्यूम करता है। तो हमने पहले जब 4G नहीं था तो हम 3G पे काम चलाते थे, तो 4G आते ही 4G भी कम पड़ने लग गया। तो यही होने वाला है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस। तो हमने एक स्टेज आगे बढ़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके नेटवर्क पे लोड कम करते हैं फ्रॉम द सोर्स। जैसे रडार का डेटा लिया तो हम एक AI बेस्ड कंट्रोल यूनिट उस पे लगाते हैं जो लोड मैनेज करेगा, इतना लोड भेजेगा जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है टू मेक सेंस आउट ऑफ द डेटा वी डू इट। सो नेटवर्क पे लोड कम रखते हैं ताकि ये जो एडहॉक नेटवर्क बनाए वो ऑपरेशनली 24/7 यूज हो जाए। तो हम वो भी हमने अपने जिम्मेदारी मान के आगे बढ़े हैं कि उस पर भी थोड़ा रिसर्च किया जाए ताकि लोड कम हो जाए।
30 फ्रेम्स आपकी जरूरत नहीं है कैमरा से, आपको शायद 2-4 फ्रेम चाहिए डिसीजन लेने के लिए, पर हम आम तौर पे नेटवर्क पे सब कुछ आ जाता है। तो एज पे हम बहुत प्रोसेसिंग करते हैं ताकि नेटवर्क लोड कम हो, एडहॉक नेटवर्क बनाते हैं ताकि आप बैकवर्ड टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ प्रेजेंस तक आ जाए, जो भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है फाइबर की, और वहां से बैकहॉल तो आसानी से देश भर में हो रहा है। तो काफी एडवांसमेंट हुआ है, हम भी उसके साथ साथ चले हैं अभी फिलहाल। तो सर जैसा कि आपने ये भी कहा कि जो सिस्टम है ये आप पूरी तरह से OEM है, इसके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि इंद्रजाल 100% इंडिजिनस है। ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स दैट वी यूज, जितनी इंद्रजाल की सेंसर्स है, इफेक्टर्स है, हमारी कोशिश यही है अगर हम इंडिया में बना नहीं रहे तो एटलीस्ट मिनिमम JV करेंगे, जॉइंट वेंचर करके मेजोरिटी ओनरशिप हमारी, टेक्नोलॉजी ओनरशिप हमारी हो। और यस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन आवर इकोसिस्टम, यू कांट से दैट इज कम्प्लीटली 100% ओन बाय अस, पर हमारी जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स है और इकोसिस्टम है उसमें हम काम कर रहे हैं। ओके, तो सर अभी करंट स्टेटस इंद्रजाल का, एनी यूजर्स फ्रॉम आर्म फोर्सेस और एनी अदर डिफेंस सर्विसेज? जी, एक्चुअली इंद्रजाल पे इंटरेस्ट लास्ट 2 साल से काफी बढ़ चुका है, आर्म फोर्सेज हैव शोन लॉट ऑफ इंटरेस्ट, हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे भी प्रेजेंटेशंस दिए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में भी हमने प्रेजेंटेशन दिए हैं, आर्म फोर्सेस में भी डायरेक्टली प्रेजेंटेशन दिया है, काफी कुछ हो चुका है। तो एक तो है कि इंटरेस्ट तो इंक्रीज हो रहा है, पर RFPs अभी निकलना बाकी है। फिलहाल क्या कर रहे हैं कि पॉइंट डिफेंस RFPs निकल रहे हैं, ड्रोन के जो पॉइंट डिफेंस मतलब एक जगह 5 किलोमीटर स्क्वायर रेडियस को प्रोटेक्ट करने के काफी सारे RFPs निकल रहे हैं, बिकॉज ये भी नेसेसरी है, जितने भी AVPs हैं आपको तो पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाल बिछेगा उसके ऊपर। तो फिलहाल हमने क्या किया है कि आगे बढ़ के RFP का ना वेट करते हुए हमने खुद का एक साइट, एक 75 एकड़ का साइट पे हमने खुद का R&D सेंटर बना दिया है फॉर इंद्रजाल, और इंद्रजाल के जितने एलिमेंट हैं वो सब हमारे पास साइट पे अवेलेबल है, जितने एलिमेंट लगते हैं टू मेक एन इफेक्टिव नेटवर्क, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर, वी हैव स्पेंट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी, और हमने खुद का एक रिसर्च सेंटर बनाया जो बिल्कुल दिखा सकते हैं किसी को भी, कोई भी इंटरेस्टेड यूजर है पहले आए आजमाए टेक्नोलॉजी समझे, फिर उनकी RFP निकलेगी, फिर उनको रिक्वायरमेंट फॉर्म अप कर सकते हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटी है। कभी कभी इस तरह से होता है कि आपकी RFP तब निकलती है जब पॉसिबिलिटी पता हो, RFP निकाल के कोई फायदा नहीं है जब बनेगा नहीं, तो हम तो चाहते हैं कि दिखाएं, एक्चुअली एक्सपीरियंस करवाएं, फिर वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट फॉर्म अप करें। ये तो वी हैव अ रिसर्च सेंटर, इंद्रजाल इज फुली फंक्शनल एट द रिसर्च सेंटर, एंड वी आर एक्टिवली pursuing opportunities with the armed forces and security forces. वैसे हमारे इंद्रजाल के 2-3 implementation के LOI हमारे पास आ चुके हैं और बहुत सारे foreign countries भी interest दिखा रहे हैं, पर फिलहाल if you say a large order for a border section, अभी work in progress. Okay. सर जैसे green robotics का थोड़ा सा मैंने पढ़ा कि इसमें आप human machine collaboration पर ज्यादा focus कर रहे हैं, तो अगर हमें जानना चाहें एक just in simple terms, what is human machine collaboration exactly? और ये कैसे benefit करने वाली है इंडस्ट्रीज को, यूजर्स को, और कह सकते हैं कि आर्म फोर्सेस को? हाँ जी, तो दिस वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी मतलब इस डिकेड का वर्ड मान सकते हैं कि क्योंकि बहुत प्रेवलेंट है, हर सेक्टर में हम AI यूज करते हैं, पर AI इन सिंपल टर्म्स इज अ मिमिक्री ऑफ योर ओन ब्रेन, इट मिमिक्स योर ब्रेन्स एबिलिटी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आपकी जो न्यूरल नेटवर्क की जो थॉट, न्यूरल नेटवर्क पे जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है और कोलैबोरेटिव डिसीजन निकलता है, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेनेट्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो हमारा जो बेसिक थॉट प्रोसेस है, ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड यूजिंग नेचर, जिस तरह से नेचर सॉल्व करता है। जैसे आप एक बी हाइव ले लीजिए, उस पर जितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग, वो भी एक नेटवर्क का एक आइडियोलॉजी है, एक जैसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क फ्रेमवर्क का एक एग्जाम्पल है। एक कोलैबोरेटिव बी हाइव इज अ नेटवर्क of artificial intelligence, how communication is passed on between various elements. मैं क्या कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सबको सबके बारे में सब कुछ पता हो, पर collaboratively as a system, the intelligence level must be high. So जिस तरह से भी हम participate करते हैं network में, हर एक element एक contributor है, लेकिन हर एक element beneficiary है। आपने शायद कुछ ही contribute किया है, पर आपको decision मिल जाएगा, आपको information मिल जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज व्हाट वी से, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्स यू मेक अ 4,000 किलोमीटर्स डिफेंस सिस्टम। वैसे देखा जाए तो इट लुक्स फिजिकली इम्पॉसिबल टू प्रोटेक्ट 4,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, पर हमने ये जो सेल थियरी पे काम किया है यूजिंग द बैकबोन ऑफ नेचर
and how you know artificial intelligence frameworks work. This is the collaborative model in which the solution can be affected. और ये हमारी एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूवन, इट्स प्रूवन इन द वर्ल्ड. दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ अ कोलैबोरेटिव सिस्टम हैज बीन ऑलरेडी प्रूवन इन द वर्ल्ड इन वेरियस फैसेट्स, आल्सो इन डिफेंस, फॉर एयर डिफेंस. तो फ्रॉम दोज लर्निंग्स ऑफ विच आई वॉज अ पार्ट ऑफ फॉर नियरली 20 ईयर्स, वी बिल्ट दिस फ्रेमवर्क्स. जितना हमारी लर्निंग्स है, जितने हमने इम्प्लीमेंटेशन किए इन द पास्ट फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ माई करियर, उसको हमने यूज करके लास्ट 9 to 10 ईयर्स का रिसर्च हमने किया है टू मेक द फ्रेमवर्क इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो दिस इज वेल प्रूवन, इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज हाउ इट विल वर्क, वी हैव टू अडैप्ट एंड मूव फॉरवर्ड. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व द प्रॉब्लम. इट डजेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट गिव्स यू अ डायरेक्शन. तो इट विल लर्न एंड इवॉल्व अलॉन्ग विथ यू. दिस इज वॉट यूर क्वेश्चन इज, आप ह्यूमन एंड मशीन के किस तरह से, तो आपको आप कुछ डिसीजन लेंगे जो डिसीजन आर इन द राइट डायरेक्शन, विच द मशीन क्विकली लर्न एंड डजेंट आस्क यू द सेम क्वेश्चन अगेन. द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए आई एनेबल्ड सिस्टम एंड सिस्टम विच इज ओनली प्योरली बेस्ड ऑन डिसीजन लॉजिक इज दैट सेम क्वेश्चन आपको बार बार ए आई सिस्टम नहीं पूछेगा. आपको एक बार पूछेगा, आपका ट्रेंड देखेगा, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उसके बाद दोबारा आपको दोहराए पे खड़ा नहीं करेगा, आपको सोल्यूशन दिख. आप प्रिफर करते हैं, मेरे ख्याल से आप इस डायरेक्शन में जाने से बेहतर है, दिस इज वॉट ही विल टेल. एंड ये आपका पार्टिसिपेशन से हो रहा है. तो आपने जो क्वेश्चन किया ह्यूमन एंड मशीन का किस तरह से इंटरेक्शन होगा, सिस्टम्स में भी ऐसे होते हैं. आपके पास 3 चॉइसेस है, आपने प्रिफर किया पर्टिकुलर चॉइस, उस चॉइस पे ही अगले बार आपको ऑप्शन देगा, ही वोंट गो बैक टू द ट्राई जंक्शन. तो दिस इज वॉट इज द कोलैबोरेशन दैट वी डू इन ऑल ऑपरेशनल डिसीजंस. जितने ऑपरेशनल डिसीजन लेते हैं तो एआई का ये रोल हो सकता है, बट इवॉल्विंग सिस्टम होता है. It's ever evolving. It is continuously learning. After some time, it will reach a point where it is more or less behaving like you. आपकी तरह behave करना लग जाएगा system. पर वो हमने enable करके रखा है system में ताकि people participate and move it in the direction they want. वो जिस तरह जाना चाहते हैं उस तरह हम रुख मोड़ते हैं system का. सर, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आपने भी, आपको पता, एक चीज, एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा इसके साथ कनेक्ट रहता है कि एक फियर या कंसर्न कह सकते हैं कि ये मतलब जॉब्स को रिप्लेस करेगा. ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक पर्टिकुलर कंसर्न है जो हमेशा ही मतलब एक बार देखने को मिलता है आज के टाइम पे, खास करके और चैट जीपीटी जैसे ऑप्शन आने के बाद? आई डोंट थिंक इट्स अ राइट फियर. ह्यूमंस का टिपिकली मेरा मानना है कि हमारी ब्रेन जनरली 5 से 25% के बीच में काम करता है. 25% भी अपर लिमिट है जीनियसेस की काम करती है, हमारे आम जैसे इंसान होते हैं उनके काफी कम होता है. तो इश्यू क्या है कि हम अपना कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रूटीन टास्क्स में हम लगे हुए हैं. एआई विल सॉल्व मोस्ट ऑफ योर रूटीन टास्क एंड लीव यू टू मेक ए डिसीजन, लीव यू टू थिंक, लीव यू टू इवॉल्व. तो आपको जो रूटीन टास्क का काम है, जैसे आप नेविगेशन के लिए अभी रास्ता याद नहीं रखते, टिपिकली हम कुछ डालते हैं वो शॉर्टेस्ट रूट पे आपको घर ले जाएगा, आप ट्रस्ट करते हैं 44 मिनट्स इस रास्ते पे है, 62 मिनट्स दूसरे रास्ते पे. आपने दिमाग नहीं लगाना, आपने जाना ही है बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग यू बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रैफिक, रोड कंजेशंस, योर स्पीड, कंडीशन ऑफ द रोड. आपको देता है एक सोल्यूशन, आप मान के चल रहे हैं. अभी कोई ये नहीं बोल रहा है कि हम मैप प्रिंटर इज आउट ऑफ बिजनेस, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई, इसका बेनिफिट दिख रहा है. जैसे हमें हर सेक्टर में बेनिफिट दिखेगा और हम उसको ट्रस्ट करने लगेंगे, हमारे पास टाइम फ्री अप हो गया. कोई मैप नहीं देख रहा है, पहले हमारे साइड में नेविगेटर बैठता था, कोई बताता था रास्ता क्या है, या आपको मेमोरी करना पड़ता, आप मेमोरी आपकी फ्री है, आप कुछ और कर सकते हैं. तो इस तरह से मेरे को लगता है कि स्पेशली इन एन वर्सेस एन प्रॉब्लम्स, जैसे मतलब आपके एन ऑप्शंस है और आपको एन काम करने हैं, मतलब एक या दो नहीं, मल्टीपल, राइट? उस जैसे कंडीशंस में ह्यूमन कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो आपको ट्रस्ट थोड़ा मशीन पे करना होता है. और मशीन आपके जैसे सोचे देन इट इज बेटर. मशीन मशीन की तरह ना सोचे कि भाई आपको ऑप्शन दे दे एंड ऑफ द डे, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप डिसाइड कीजिए. तो वो होता है टिपिकल प्रोग्रामिंग इन द पास्ट. अब एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग इस तरह से हो रहा है कि आपके जैसे सोचने लगेगा, आपके जैसे मिमिक करने लगेगा. तो इसके फायदे ज्यादा है. Caution we have to exercise ki sab kuch machine pe chhod nahi sakte filhal, because we don't understand how he is taking the decision. Ye nahi ki wo decision nahi le sakta hai, par hame pata nahi ki wo decision kis tarah se le raha hai, hame samajh nahi hai, isliye kuch cheeze hum apne paas rakhte hain. To hamare systems typically man over the loop systems hote hain, they are not man in the loop systems.
मतलब ह्यूमन बीइंग जब लूप में आता है मशीन्स के बीच में, आपका स्लो हो जाता है रेस्पॉन्स। तो हम क्या करते हैं कि मैन को इन्फॉर्म रखते हैं, मैन लूप पे है, कभी भी लूप रोक सकता है, पर ही इज नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ द लूप, इट्स नॉट मैन आउट ऑफ द लूप सिस्टम्स। तो मैन आउट ऑफ द लूप सिस्टम्स पे हमें डर लगता है फिलहाल इन टूडेज जनरेशन। मैन ओवर द लूप सिस्टम हमें अडॉप्ट करना सीखना चाहिए। तो हमारा भी सिस्टम मैन ओवर द लूप सिस्टम है, नॉट मैन इन द लूप। तो ये डिस्टिंक्शन है, थ्री ग्रेड्स हैं, तो हम चुन सकते हैं। ओके सर, जैसे मैं लास्ट दो क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका आने वाले, हम बात करें अगले आने वाले 10 सालों में, भारत की खास करें बात कर रहा हूँ कि उसका क्या फ्यूचर रहने वाला है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड ड्रोन वॉरफेयर, इनमें इनका क्या रोल रहने वाला, इन दोनों चीज़ों का आपस में कैसे लिंक रहने वाला, क्या थोड़ा सा बताइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक ऑल सेक्टर्स इज ऑल्सो कमिंग इन टू द सिक्योरिटी अपैरेटस। जिस तरह से मेरा एक पॉइंट ये है कि जब भी आपको बिग डेटा एनालाइज करके एक कोई डिसीजन पे आना है और आप सारा एसिमुलेट अपने माइंड से नहीं कर सकते, सिस्टम असिस्टेंस चाहिए होता है। जिस तरह से मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि 10,000 जहाज है हवा में भारत के ऊपर एक एक टाइम पे, और हर जहाज अपने जगह पे ठिकाने पे अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, ये कोई डिसीजन आपको लेना ह्यूमन बींग को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपने रूल लिख के इसका इम्पॉसिबल, आपने रूल लिख के डिसीजन ले रहे हैं। अभी फिलहाल ऐसे कर सकते हैं कि हमने रूल लिखना है कि भाई इस पैरामीटर्स के अंदर है तो बता दीजिए, तो वो रूल बेस्ड हो गया। पर एआई क्या करेगा, आपको ट्रेंड बता देगा कि भाई इस डायरेक्शन में ही इज टेंडिंग टू गो आउट, द चांस दैट दिस गाई इज लाइकली टू क्रिएट योर प्रॉब्लम। ये है एआई एनेबल्ड सिस्टम की कैपेबिलिटी कि यहाँ पे बिल्कुल यूज है। रूल पे क्या होता है कि ये बाहर गया तो बता देगा आप बाहर गया, जबकि ये ट्रेंडिंग टू इज ए ह्यूमन माइंड अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आता है कि भाई ये होने वाला है। उसी तरह से मशीन को भी पता लगना चाहिए ताकि प्रेडिक्टिव एनालिसिस बेटर होता है। तो जहां जहां हमको बहुत सारा डेटा के साथ हमें करना है, देन वी नीड एआई। सेकेंडली, जहां हमें कोई ऑपरेटर लिंक्ड डिसीजन लेना है कि मतलब इस तरह का एसओपी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन कंजंक्शन विद अ ह्यूमन बीइंग, देयर एआई कैन वर्क। फॉर एग्जांपल बॉर्डर पे आपने गन लगा दिया, गन के सामने फ्रेंडली आया तो फ्रेंडली फेस आया तो छोड़ दीजिए, दूसरा है तो उड़ा दीजिए। इज दिस ह्यूमन राइट्स वाइज इज ओके? इट्स नॉट ओके, नोबडी विल अलाउ यू टू हैव दिस सिस्टम। पर अगर ये फ्लैग हो जाए कि भाई इस तरह का ऑकरेंस है, ये बंदा उधर भी आया था इधर भी आया था, तीन जगह पोस्ट पे दिखा था, तो ही इज ट्राइंग टू इनफिल्ट्रेट। यू अंडरस्टूड? नो, द इशू इज इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट काइंड ऑफ अ कोरिलेशन। वो कोरिलेशन तभी हो पाएगा जब सारा डेटा आपके पॉइंट्स आपके मिले और कोई ट्रेंड निकाले। तो ये एआई का उधर बहुत सारा यूज होगा कि भाई इसको फ्लैग किया था, इसको यहाँ पे भी देखा गया था, 27 दिन पहले वहां पे भी देखा गया था, ये यहाँ से वहां गया था और वहां पे भी देखा गया था। अगर ये डेटा हम मर्ज करके ट्रेंड निकालें, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। तो जहां भी इस तरह का अपैरेटस है, जैसे फेस रिकॉग्निशन में है या बॉर्डर सिक्योरिटी पे है या फिर रेपिटेटिव जो टास्क होते हैं कोरिलेशन टास्क, वहां पे एआई का काफी यूज है। दिस एज फार एज सिक्योरिटी अपैरेटस इज कंसर्न। इन टर्म्स ऑफ द एंटी ड्रोन स्पेस एंड ड्रोन स्पेस, जी बिल्कुल, रूटीन टास्क जब करने होते हैं, जैसे आपको डिलीवर करना होता है कोई टारगेट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना होता है या टारगेट के ऊपर कोई पेलोड डिलीवर करना होता है, तो डेफिनेटली एआई प्लेस अ बिग रोल। बिकॉज आप जीपीएस पे या कोई नेविगेशन सिस्टम पे उतना ही ट्रस्ट कर सकते हैं जितनी उसकी एक्यूरेसी है, पर अगर एक्यूरेसी इज फर्दर रिफाइंड बाय मैचिंग ऑफ द इमेज, वहां इमेज रिकॉग्निशन, इमेज मैच पे बहुत काम हो सकता है, वहां पे आपको टारगेट डिलीवरी भी हो सकता है। दूसरा, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहां पे भी हो सकता है, जैसे फ्लड आ गया है, ह्यूमन बीइंग को उस जगह पे फ्लड्स के बीच में डिटेक्ट करना और उस तक राहत पहुंचाना, ये भी एक यूज केस है ड्रोन्स का। बिकॉज ड्रोन्स का बहुत बड़ा काम है, जब फ्लड होता है कट ऑफ हो जाते हैं उस तरह कितने लोग है पता नहीं है, उनको कुछ पहुंचाना है स्पेसिफिकली तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। तो वी कैन यूज इट फॉर इमेज एनालिसिस डेफिनेटली, टारगेट डिलीवरी डेफिनेटली, कोई भी डिलीवरी है स्पेसिफिक पिन पॉइंट डिलीवरी है वो भी हो सकते हैं, तो इमेज पे बिल्कुल काम हो सकता है। दूसरा, सिग्नल इंटेलिजेंस में बहुत काम हो सकते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स हैं आजकल, सेलफोन की प्रोलिफ्रेशन है, सिटी में ही मिलियंस ऑफ सिग्नल्स हैं, पर उस सिग्नल्स के बीच में एक कोई ड्रोन की सिग्नल डिटेक्ट करना है जो एनिमी ड्रोन है, तो वहां पे बिल्कुल एआई का बहुत सारा काम हो सकता है, जहां पे मतलब हम कोरिलेट करें डेटा
और वी हैव टू यूज दिस डेटा टू प्रोसेस इट एंड देन कम आउट एंड से ओके दिस इज इट. एंड इफ फिंगरप्रिंटिंग में काम आ सकते हैं जिस तरह से, मतलब ह्यूमन नहीं बट से आरएफ डिटेक्शन फिंगरप्रिंटिंग जो कहते हैं, जिस तरह से सिग्नल फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, उसमें बहुत यूजफुल काम आता है कि भाई ये स्पेसिफिक जहाज पे ये स्पेसिफिक रेडार लगा हुआ था और ये 125 दिन के बाद दिखा है, मतलब उसी वही जहाज दिखा है, ये अगर फिंगरप्रिंट करना है तो काफी मतलब यूटिलाइज हो सकते हैं कुछ फ्रेमवर्क्स. चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जब हमारे ट्रूप बाहर मतलब कोलैबोरेटिव एआई कहते हैं इसको, जैसे टैंक्स फॉर्मेशंस हो, ट्रूप्स फॉर्मेशंस हो, सब लोग अपना अपना ट्रूथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना डिटेक्शंस कर रहे हैं, उन सबको कोलैबोरेट करके एक ओवरऑल अवेयरनेस बनाने के लिए भी ये यूजफुल हो सकता है. तो ये कोलैबोरेटिव भी हो सकता है, हर एक बंदे को हर एक इन्फॉर्मेशन भेज नहीं सकते पर हमें कोलेक्ट करके नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हर एक बंदे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. किसी ने देखा उसका कैमरा से कुछ देखा है, किसी ने सेंसर से कुछ देखा है, दोनों इन्फॉर्मेशन तीसरे को दे सकते हैं पर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, वॉइस वाइज नॉट पॉसिबल, डेटा वाइज नॉट पॉसिबल, एप्लीकेशन वाइज नॉट पॉसिबल, पर आपको उसका सिचुएशन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम आ सकता है. तो देयर आर मेनी यूज केसेस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच आर वेरी which are very useful for normal day-to-day operations. We don't have to think of it as a very, very dynamic. सोचने की जरूरत नहीं है कि जहाज से मिसाइल दागने के लिए normal collaborative situational awareness बनाने के लिए भी use हो सकते हैं. तो there are many use cases. अभी भी हम discover कर रहे हैं. बहुत काम है. फिलहाल तो we are on the track to identify what we can do. Okay. सर फाइनली ग्रीन रोबोटिक्स के एंटी ड्रोन सिस्टम या एआई के सेक्टर में एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर डेवलपमेंट्स जो पाइपलाइंस में? हाँ जी बिल्कुल. टेक्निकली हमारा एक आरएनडी सेंटर है फॉर इंद्रजाल, ओके, एंड वी हैव एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर. वी आर ए रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी ग्रीन रोबोटिक्स. पिछले 14 साल से सेंट्रल थॉट प्रोसेस इज टू क्रिएट ए न्यू आईपी. जब भी कुछ नया बनाना है वो हम उस तरह का काम पे लगे रहते हैं. आरएनडी ही इज द बेडरॉक. प्रोडक्टाइजेशन हो चुका है, प्रोडक्ट्स जो है वो दैट इज वन डिफरेंट डिपार्टमेंट व्हिच हैंडल्स द प्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, पर रिसर्च इज इन आर डीएनए. मतलब जिस तरह का रिसर्च हम करते हैं वो हमारे डीएनए में. तो दो लिहाज से कहते हैं, जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है उसको बोलते हैं ग्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये प्लेटफॉर्म इज ए कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म फॉर 14 ईयर्स. 14 साल से हम उस पर आरएनडी कर रहे हैं. ये पूरा एंटरप्राइज वाइड सोल्यूशन है जहां मतलब ऑलमोस्ट टचलेस एंटरप्राइज एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है. जैसे मतलब फ्रॉम द सीईओ टू द पर्सन एट द गेट ऑल कैन एक्सपीरियंस ग्रीन ओएस. दैट मींस दैट इज द पावर ऑफ द प्लेटफॉर्म. ये एक कंप्लीटली मतलब एवरीवन हैज अ यूज. इट्स नॉट नेसेसरी दैट दिस प्लेटफॉर्म बेनिफिट्स ओनली द पीपल हु आर टेकिंग डिसीजंस. इट बेनिफिट्स द गाय हु इज मेकिंग एन एंट्री एट द गेट. तो ये एक काफी मतलब हमारी उपलब्धि है और हमने काफी काम किया है इसके ऊपर. इस पे आरएनडी लगातार जारी है और इसमें काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबलमेंट्स होते हैं. अलग अलग फ्रेमवर्क्स अलग अलग जगह पे एम्बेड होते हैं और उस पे काम चल रहा है. एक बड़ा टीम लगा हुआ है, करीब 40-45 लोगों का टीम इसी पे लगा रहता है हमारा, कि वो एक हो. दूसरा जो हमारा डिफेंस वर्टिकल है जिसमें हम इंद्रजाल मेजर है. इंद्रजाल में जैसे मैंने कहा 3-4 मेजर यूज केस आते हैं. एक तो हम कहते हैं कि जो फ्रेमवर्क एक है ड्रोन इंटरसेप्शन. जो ड्रोन आ रहा है एक्चुअली हम एयर डिफेंस में होता है कि अगर जहाज आया तो जहाज को मारते नहीं है, पहले पता करते हैं वो कौन. तो हम अभी तक पहुंचे नहीं ड्रोन वॉरफेयर में. हम वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस हम इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे, हम भेजेंगे ड्रोन को दूसरे ड्रोन के पीछे और आपको लाइव वीडियो मिलेगा. आपको आपके कमांड सेंटर में ये जरूर पता होगा वो कौन सा ड्रोन है बिफोर यू हिट इट. तो ये हमने काफी मतलब एआई फ्रेमवर्क्स यूज करके ये किया है. दूसरा जितना हमारा कोरिलेशन होते हैं मल्टीपल सेंसर्स का डेटा, जैसे मतलब आरएफ डिटेक्टर के भी हो, थर्मल की भी हो, इलेक्ट्रो ऑप्टिक हो या रडार हो, सारा का फ्यूजन में भी हम एक एआई का काफी इस्तेमाल करते हैं. तो बोथ सेक्टर्स डिस्टिंक्ट यूटिलाइजेशंस बट वी आर डूइंग सिग्निफिकेंट काफी काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. और मुझे लगता है कि डिफेंस ओएस एंड ग्रीन ओएस दोनों प्लेटफॉर्म में एआई का इन द कमिंग इयर्स ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे. ओके ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर करी. काफी इंटरेस्टिंग थी और इन्फॉर्मेटिव भी थी.
और मतलब एक थोड़ा सा प्राउड ही हम कह सकते हैं कि हाँ अभी तक जो हम टेक्नोलॉजीज दूसरी कंट्रीज में देखते थे वो इंडिया में ही डेवलप हो रही, इंडिया की कंपनीज उसको अपनी खुद की आईएनडी से डेवलप करती हैं। तो ऑब्वियसली इट्स एज एन प्राउड इंडियन हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट है, और स्पेशली इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम जैसा एक आपने प्लेटफॉर्म बनाया जो कि अभी तक आई थिंक कहीं और डेवलप नहीं है या होगा भी तो बट इस लेवल का नहीं है। जैसे कि टेक्नोलॉजीज आपने जो इसमें आई थिंक इसमें 12 टेक्नोलॉजीज इन वन करके है लाइक जो आपकी बिल्कुल उसमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दी इंफॉर्मेशन। आई जस्ट वॉन्ट टू लीव यू विथ वन थॉट कि सही कहा आपने कि इंद्रजाल एज ए कॉन्सेप्ट इजी टू रीड, जैसे नोवेल होता है ना, आपने किसी ने बुक पब्लिश कर दिया तो हम पढ़ते हैं, तो वो आसान है, पढ़ के समझना आसान है, पर हमने लिखा है मतलब जो लिखने वाला का थॉट प्रोसेस विल बी लिटिल मोर इवॉल्व देन द वन हु इज रीडिंग। तो हमने पब्लिश किया है और काफी कंट्रीज ने रिपोर्ट किया है, आई एम श्योर एवरीबडी इज बिगिनिंग टू वर्क, पर हम ये कह सकते हैं कि हमने रिसर्च करके बना के रिपोर्ट किया है और अभी फिलहाल इट इज अवेलेबल इन द फील्ड। सो यस इट इज ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड हु हैज गिवन अ थॉट ऑफ वाइड एरिया डिफेंस। और दूसरा ये सिर्फ ड्रोन के लिए नहीं है, आने वाले समय पे जितने भी आपके स्टैंड ऑफ वेपन्स होंगे उसके लिए भी इसी यही इंद्रजाल ही आपको प्रोटेक्शन देगा, जिस तरह से आपके ओके लॉयटर म्यूनिशन कहते हैं, जो लॉयटर म्यूनिशन है वो भी इसी कैटेगरी में है, तो वो वेपन्स भी इसी प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट होंगे। जो आपके रेंज एक्सटेंशन वाले बॉम्ब होते हैं, जो टम पहले स्मार्ट बॉम्ब बोलते हैं, जिसे जो 40-50 किलोमीटर आपके टेरिटरी में चल कर गिरेंगे, मतलब उस पर मोटर भी लगा रहेगा, वो भी न्यूटिलाइज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इंद्रजाल ही आपका काम आएगा। तो हम फुल स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और या इट्स वी वांट टू सी मोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंद्रजाल एज वी गो ओके फॉरवर्ड। दैट्स मीन कि एंटी ये इंद्रजाल इज नॉट लिमिटेड टू एंटी ड्रोन सिस्टम, इट्स लाइक अ कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम, सो फॉर लो ऑल टाइप्स ऑफ आरसीएस एयर टारगेट, डिफेंस। ओके फॉर ऑल लो आरसीएस, जितने भी लो ओके लो आरसीएस आर मतलब से लो रेडार क्रॉस लो सेक्शन जो ओ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं उनके लिए हमने स्पेशली जाल बिछाया। जो कन्वेंशनल है वो तो एयर डिफेंस है इंडिया का, तो उसके नीचे जो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज करके एक इंद्रजाल बनाए, ये और वो दोनों ओके मिल जाए फिर देयर इज नो वे दैट समबडी कैन कम इनटू आवर एयरस्पेस, दैट्स द प्लान। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आज इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा, और आप भी इस बात पर प्राउड कर रहे होंगे कि ये जो सिस्टम है ये भारत की कंपनी ने बनाया है। और बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं कि इस मेड इन इंडिया सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में आप कौन सी कंपनी के बारे में आप जानना चाहेंगे। बाकी इस नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।